Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। रामपुर में आजम खान के करीबी 40 लोगों की यहां इनकम टैक्स के रेट चल रही है। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी सरकार में ठेके मिले थे। इसराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है, गाजा में 7000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थमा नहीं। इन 7000 लोगों में से 3000 मासूम बच्चे थे। केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने ड्रग केस में 5 शहरों में बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए के तहत ईडी ने 17 लोकेशन पर रेड की है। दिल्ली में 7 लोकेशन, मुंबई में 3 और पंजाब में पंचकुला, अंबाला और चंडीगढ़ में 7 लोकेशन पर रेड मारी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब वे 30 अक्टूबर को पेश होंगे। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण को लेकर जोरांगे पाटिल के समर्थन में नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट आज बंद रहेगा। पंजाब में पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार 26 अक्टूबर को पंजाब में पराली जलाने के 589 मामले सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम आते ही हवा की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है। सफर के मुताबिक दिल्ली में आज AQI 249 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर अरनिया के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि भारी गोलीबारी हुई है यहां पर और हर कोई यहां डरा हुआ है। लोग यहां बंकर में छुपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडप में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 5G यूज केस लैब्स प्रदान करेंगे। कतर के कैद में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई। मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में अब तक 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार के दिन 2 अन्य ने आत्महत्या कर ली। केंद्रीय मंत्री और RPI चीफ रामदास आठवले ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वे छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी को समर्थन करेंगे। आठवले ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर है और वहीं उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2014 और 2019 में भी विपक्ष एकजुट हो गया था, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, इसलिए 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में कोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने खुद को आरोप मुक्त करने की याचिका दाखिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदनगर जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं शिरडी में मंदिर दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर महिला की हत्या कर शव को बैग के माध्यम से ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। महिला का अधजला शव बरामद किया गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की एक दीवार गिर गई है, जिसके कारण BCCI और CAB की चिंता बढ़ गई है। इस मैदान पर 5 वर्ल्ड कप मैच खेले जाने हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। बाबर आजम की टीम के लिए मैच करो या मरो से कम नहीं है, हालांकि उनका रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद शानदार है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की फिल्म तेजस से एक्सप्रेस के साथ उनके तमाम फैंस को भी काफी उम्मीदें हैं। ये फिल्म आज 27 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।